हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अरविंद स्टडी सेंटर में। मैं आपका साथी अरविंद कुमार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी स्टडी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप सी टेट का तैयारी करना चाहते हैं और आपको सी टेट जुलाई एग्ज़ाम देना है, अगर आप अपेयरिंग है फिर भी फॉर्म आप भर सकते हैं और आपका एग्ज़ाम सी टेट जो है वह जुलाई में होगा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि मंत्रालय की ओर से हरी झंडी मिल गई है कि आपका एग्ज़ाम साल में दो बार होता था तो दो बार ही होगा, यानी पिछले वर्ष जो कोरोना काल के वजह से एक बार साल में हुआ था, लेकिन इसके बाद से जो भी एग्ज़ाम होगा वह साल में दो बार होगा, यह मंत्रालय की ओर से आपको आदेश आ गया है। तो हम आपसे बात कर ले कि आप अगर जुलाई में सी टेट का तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही से शुरू कर लीजिए। तो आपको जुलाई पढ़ने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा, आप अगर नए हैं तो आपको सिलेबस के बारे में ज्ञान नहीं है, तो हम आज सब चीज़ पे बारीकी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपसे कुछ चर्चा कर लेते हैं सी टेट 2023, यानी सी टेट का 2023 में आपका एग्ज़ाम जुलाई में होगा, आपका एग्ज़ाम जुलाई में होगा। और आपको यहाँ देख लिए जुलाई में, तो जुलाई में आपको एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपको क्या जानना है, तो आपको सिलेबस के बारे में जानना है। और एग्ज़ाम कितने नंबर का होता है, तो एग्ज़ाम 150 नंबर का होता है, 150 नंबर का एग्ज़ाम होता है आपका। इसमें पास मार्क्स कितना चाहिए, तो पास मार्क्स आपको जनरल है तो 90 नंबर चाहिए। अगर आप ओबीसी एससी एसटी है तो आपको कितना चाहिए, 82 नंबर पासिंग मार्क्स चाहिए, यही आपको चाहिए। उसके बाद हम आपसे बात कर लेते हैं कि क्या इसमें निगेटिव भी है, तो आपका निगेटिव मार्क्स नहीं है, आपका बिल्कुल आप निगेटिव पर नहीं जाइए, क्योंकि आपका निगेटिव नहीं है। अगर एक गलती हो गया तो आपका गलती मार्क्स में नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि और घटाया नहीं जाएगा, क्योंकि आप गलत किए हैं तो आपका निगेटिव मार्क नहीं होगा, नहीं कटेगा नंबर आपका। तो पेपर वन आपको क्या है पढ़ना, सबसे पहले बाल विकास, यानी सी डी पी का मतलब होता है बाल विकास, हिंदी में कहते हैं। तो सी डी पी कितने नंबर का पूछा जाता है, तो 30 नंबर का पूछा जाता है आपका सी डी पी से। यहाँ मैथ है तो आपका मैथ कितना नंबर का पूछा जाता है, तब 15 नंबर का आपका हो गया न्यूमेरिकल से, और 15 नंबर क्या हो गया पेडागोजी से, 15 नंबर पेडागोजी से पूछा जाता है। और ईवीएस था आपका 15 नंबर क्या आ गया, कंटेंट, जिसको बोलते हैं राज्य से संबंधित, भोजन से संबंधित, नृत्य से संबंधित, कहाँ के घर किस टाइप से बना होता है, किस चीज़ का बना होता है, इससे, यानी 15 नंबर ये हो गया। अब 15 नंबर आपका हो गया पेडागोजी। उसके बाद आपका हो गया लैंग्वेज वन में आपको ग्रामर, तो ग्रामर में आपको बेसिक ग्रामर की ज़रूरत नहीं है, आपको गद्यांश और पदांश, यानी गदखंड और पदखंड से 15 नंबर पूछा जाता है आपका, और 15 नंबर आपका पेडागोजी से पूछा जाता है, 15 नंबर पेडागोजी से पूछा जाता है 30 नंबर का। अगर लैंग्वेज टू आप ले रहे हैं तो लैंग्वेज टू में क्या होगा आपका, पैसेज 15 नंबर का हो जाएगा आपका कंटेंट, और 15 नंबर ग्रामर से हो जाएगा, यानी 30 नंबर आपका हो जाएगा, 15 नंबर का कंटेंट में भी आ जाएगा और आपका पेडागोजी 15 नंबर का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको सेम पेपर अब टू में क्या है आपका, पेपर टू सी डी पी यानी बाल विकास 30 नंबर हो गया, लैंग्वेज वन कितना हो गया, तो लैंग्वेज वन में आपको 30 नंबर का पूछता है, तो 30 नंबर में आपको 15 नंबर क्या पढ़ना है, तो 15 नंबर का आपको पैसे तैयार करना है आपको, यानी गद्यांश और पदांश से, तो 15 नंबर
वो हो गया 15 नंबर पेडागोजी हो गया, 15 नंबर आपका पेडागोजी हो गया, यानी 30 नंबर आपका यहीं से पूछेगा। उसके बाद लैंग्वेज टू फिर उसी तरह है, यह इंग्लिश में हो गया पैसेज 15 नंबर, आपका 15 नंबर का हो गया कंटेंट, कंटेंट सेम उसी तरह का। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल ग्रेजुएशन पे है तो आपको क्या क्या साइंस से है या मैथ से है, सोशल साइंस से है या मैथ है आपका देख लेना, सोशल साइंस या साइंस मैथ है। तो मैथ में आपको 15 नंबर पूछा जाता है और 30 नंबर का मैथ पूछा जाता है, 30 नंबर का मैथ पूछा जाता है और 30 नंबर का साइंस आपका पूछा जाता है। अगर वही सोशल साइंस आपका है तो 15 नंबर 60 नंबर का पूछा जाएगा, यानी कुल मार्क्स आपका 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा। तो 150 नंबर हो गया, तो आप देख लीजिए कि 150 नंबर का कैसे हो गया, 30 नंबर यह हो गया, 30 60 और 30 90, और 90 और 60 आपका अगर सोशल साइंस है तो 150, और यह मैथ 30 और 30 ये भी 60 हो जाएगा, यानी 150 आपका 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा। पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 में एक चीज़ छूट गया है हम आपको बता देते हैं, पेपर 1 में आपको क्या है, पेपर 1 1 to 5 का है, 1 to 5 है, और पेपर 2 6 to 8 का है, यही है आपका। तो अगर आप तैयारी करते हैं और जो भी क्वेश्चन आपके मन में है, डाउट है, उसको हम क्लियर कर देंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और जो भी सीटेट से संबंधित क्विज भी हम कराएंगे आपको। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, और आपके साथ हम हमेशा एग्ज़ाम तक बने रहेंगे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।